तुम दिल तख्त नशीन बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग भी चाहिए, तो सच्चे दिल भी चाहिए। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट स्वतः ही मिल जाती है। इसलिए सदा यह चेक करो कि सच्चे दिल से साहिब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को राजी नहीं करना है, सच्चे साहिब को राजी करना है, तो अलबेलेपन का चश्मा उतार कर स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन कर रहो। ओम शांति। सच्चे दिल से साहिब को राजी कर परमात्म दिल तखत नशीन बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जो बच्चे स्व पुरुषार्थ का सच्चा समाचार देते हैं उन पर बाप राजी रहता है, लेकिन स्वयं भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को परिस्थितियों को जानकर चलो, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देते हो तो पिछला खाता समाप्त होता है और स्नेह के रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती है। सच्चे दिल वाला कितना अच्छा डीप मीनिंग समझ में आता है। तो एक तो सच्चे दिल वाला बड़ा सोचेंगे, विशाल दिमाग, दिल नहीं विशाल दिमाग, बड़ा सोचना, बेहद का सोचना। जैसे देखो वो प्रकाशमणि दादी का जो वो उन लोग फर्स्ट टाइम जो उनका विदेश यात्रा जापान का था, और आनंद किशोर दादा और रतन मोहिनी दादी, तो फिर पूछा उन लोग कुछ लेते तो नहीं है, बोला फिर हम क्या सेवा करें, तो कहा कि आप ऐसे करो, ये चित्र, वो चित्र बहुत अच्छे लगे उन लोगों को, जापान वालों को, सृष्टि चक्र, सीढ़ी और त्रिमूर्ति, बोला ये 5,000 मतलब जितना ज्यादा छपा सकते हो, शायद 5,000 या 10,000, और इतना फ्लाइट में तो नहीं आ सकता है, तो बाय जहाज भेजा। तो दादियों को, क्योंकि बाबा ने कहा, बाबा को पूछा था कि क्या लेके आए, तो बाबा ने कहा बच्चे अगर वो सेवा करना चाहते ना तो ये सेवा करो, इतना बहुत सारे चित्र लेकर, क्योंकि उस समय तो ग्रोइंग स्टेज था ना हमारे यज्ञ का भी। तो बड़ा सोचना, सच्ची दिल वाली, जब सेवा, जो सच्ची दिल होती है ना, तो उनका दिमाग भी छोटा नहीं, बड़ा बड़ा सोचना, और प्लस नो नॉट इमेजिनेशन, कि हम लोग ना एक होता है ना, एक हवाई महल बनाते हैं, बड़े बड़े सोचते हैं, वो भी है कि बड़ी बड़ी, वो शेख चिल्ली वाला स्टाइल है, वो नहीं। सच्ची दिल से जो सोचेगा कि मुझे रियली वैसे करना है, मुझे रियली वो संकल्प है, तो फिर वो इमेजिनेशन नहीं होता, वो संकल्प सेवा कराता है। उस संकल्प, चाहे वैसे बोलने के लिए कहेंगे छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन वो सच्ची दिल की संकल्प है ना, तो वो संकल्प बहुत सेवा कराता है, पूर्ण होता है, हो जाता है। इसलिए कहते संकल्प बड़ा रखो, पर सच्चे दिल से, नॉट इमेजिनेशन। तो इसलिए सच्ची दिल से संकल्प करना, और दूसरा साहिब को राजी करेंगे, दूसरा है सच्चे दिल वाले। एक होता है आत्माओं, साहिब को राजी करने के लिए क्या चाहिए, कल का था दृढ़ प्रतिज्ञा, जो आज 11 तारीख का व्यक्त इशारा भी यही था, नो अलबेलापन। जितनी हर बात में दृढ़ प्रतिज्ञा होती है ना, दृढ़ प्रतिज्ञा का डेफिनेशन बाबा ने बता दिया, जान चली जाए। एक्चुअली क्या है, जब हम कोई चीज नियम बनाते हैं ना, बाबा ने कहा
और फिर वो नियम बनाया। जब नियम बनाया तो दृढ़ता आती है, भाई मेरा नियम है मैं नहीं खाती हूं, तो दृढ़ता आती है। ऐसा ही होता है ना, कैसे दृढ़ करें, नियम बनाने से वो दृढ़ता आती है, और दृढ़ता और फिर नियम बनाने से वो आदत बनती है, और आदत बनने के बाद वो नेचुरल बन जाती है, इसलिए वो दृढ़ प्रतिज्ञा नेचुरल हो जाती है। एक बार आदत बन जाए ना कोई चीज की, फिर कुछ भी चीज मुश्किल नहीं, चाहे वो सुबह उठने की बात है, कोई 2 बजे उठता है, कोई 2:30 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है। तो पहले नियम बनाया, ये तो प्रोसीजर ऑफ दृढ़ प्रतिज्ञा, इसलिए उसका एक तो फिर अलबेलापन नहीं आएगा। और रूरिहान, एक है रूरियान करना, जो आज का व्यक्त इशारा था 12 तरीका। एक है समाचार सुनाना, मोहिनी बहन हमेशा कहती है आजकल है ना सेवा समाचार की लेन देन होती है, लेकिन रूरियान नहीं होती। दादिया जब मिलती थी वो रूरियान करती थी, रूरियान मतलब अपने पुरुषार्थ का समाचार सुना, आज मैंने सारा दिन ये संकल्प किया, आज मेरा सारा दिन ये फीलिंग्स में रहे, रू रिहान करो। और डेली उनका नियम है, वो जब भी आए तो सेवा समाचार में इंटरेस्ट होता ही नहीं है, हार्डली कुछ बोलो तो। मेन उनको है कि क्या क्या पुरुषार्थ किया, वो समाचार सुनना है उनका। रू रिहान करो, आपस में भी ना हम समाचार की लेन देन करते, लेकिन फीलिंग्स का लेन देन, पुरुषार्थ का लेन देन, फीलिंग्स भी नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ, वो फील हुआ, नेगेटिव वाला वो नहीं, पुरुषार्थ की। तो रूरियान करना डेली। और दूसरा है अन्य के संस्कारों का राज समझना। सच्चे दिल वाले एक तो रूरियान करेंगे, बाप को राजी करेंगे, विशाल दिमाग होगा, और फोर्थ है अन्य के संस्कारों का रास। बेचारे सब भी संस्कार के वश है ना, उसके रास को समझना, राज युक्त होना, ये है सच्चे दिल वाले। ओके, तो होमवर्क होगा, सच्चे दिल रख श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ प्रतिज्ञा। कोई भी श्रेष्ठ संकल्प रखो सच्ची दिल से, सच्ची दिल में, कभी किसी के कहने के लिए नहीं करते, करना ही है, खुद के मोटिवेशन से करना, वो है सच्चे दिल। तो और फिर बाबा को इमर्ज कर पोता मिल दो, पूरे दिन में भी बाबा को इमर्ज करो। ये बार बाबा ने जैसे इसमें अव्यक्त इशारे में कहा ना, सच्चे दिल से अपना पोता मिल दो, इमीजिएटली भी हम बोल देंगे ना, बाबा ऐसा हुआ, बाबा आप देखना, बाबा ये मेरे से गलती हुई, रात तक भी वेट क्यों करें, नेक्स्ट मोमेंट भी तो शक्ति मिल जाएगी ना सच्चाई से कहने से। अगले अगर वही आप 3 घंटे बाद उस बात को कहो, इवन मनुष्य को, और उसी समय कह दो, फर्क है ना, क्योंकि 3 घंटे में उसने भी क्या सोच लिया होता है हमारे लिए, उसकी भी तो फीलिंग्स हमको कैच हो जाएगी ना, इसलिए इमीडिएटली बाबा को बता दो। और कितना लगता है टाइम बाबा को बताने में, फोन की भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये आज करेंगे पूरे दिन, कुछ हो गया इमीडिएटली सच्चे दिल से बताना, सच्चे दिल से मतलब बता दिया और फिर कुछ करना वैसे ही करना है, वो सच्चा दिल नहीं होता। हाँ वो 50% होगा, फिर तो फिर सच्चा दिल है ही नहीं।